अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएस सूद पैलेस के बारे में। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात को रोशन सोने की रोशनी बनाता है एमएस सूद पैलेस, हीरे की तरह चमकदार है। सुबह होते ही इसके सुरख रंग के गुंबद और वसी अरीज कंपास में तस्वीरें आती हैं। इस हैरत अंगेज फन तमीर को देखें बगैर मैसूर का दौरा की। 14वीं सदी में वडेरों ने मैसूर पर कब्जा किया तो इन्होंने पुराने किले के अंदर एक लकड़ी का महल बनाया। इस असली महल की कई बार तज़ीनो आराइश की गई। कहा जाता है कि लकड़ी का ये महल शहजादी जयलक्ष्मी की शादी के दौरान जल गया था। ये सिर्फ 1897 में है कि एक नया महल बनाने का मंसूबा किया गया था। एक गैर मुल्की महल की तमीर का मंसूबा महाराजा राजा कृष्णा ने बरतानवी माहिर तमीरात औरंग को सौंपा था। फन तमीर को मुकम्मल करने में 15 साल लगे। आखिरकार अजीम आलिशान मैसूर महल 1912 में तमीर हो गया। मैसूर महल में हर साल 6 मिलियन से भी ज़्यादा जायरीन आते हैं। ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सियाहती मकामात में से एक है। मैसूर महल में तमीराती तर्जों का इम्तियाज है, अंदाज़ा लगाएं, इसीलिए इसे मुनफरिद कहा जाता है। मरकजी हिंद सिरासैनिक फन तमीर में हिंदू मुगल राजपूत तर्ज का इम्तियाज लगता है। मैसूर महल में दशहरा त्यौहार की पुरानी रवायात आज तक मनाई जाती हैं। मैसूर दिहारा एक मशहूर त्यौहार था जो आलमी सामीन को मैसूर पैलेस की तरफ रागिब करता था। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद शाही खानदान को दूसरे महल में मुंतकिल होना पड़ा, चनाचा मैसूर महल को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। म्यूजियम में वडियारों की नौ आबादियात, तस्वीर, शाही लिबास वगैरह अभी भी मौजूद हैं। इससे पहले के बादशाह किले या महल के अहाते के अंदर मंदिर बनाते थे, इसी तरह मैसूर महल के अंदर 14 मंदिर हैं। अपने दौर के दौरान इन्हें दिखाना मत अपने दौरे के दौरान इन्हें देखना मत छोड़िएगा। इससे पहले महाराजा जय सुनहरी अंबारी पर बैठते थे जिसे सदारा जुलूस के दौरान हाथी ले जाते थे। अब इस अंबारी में देवी दरगाह की मूर्ति दशहरा त्यौहार के मौके पर रखी जाती है। क्या आपने अभी तक मैसूर महल नहीं देखा? फिर अभी वक्त आ गया है कि आप मैसूर की खूबसूरत फन तमीर के बारे में देखें। इस गैर मुल्की 5 मंजिला फन तमीर के इर्द गिर्द फैले हुए सहन बगात एक बसरी दावत है। आराइश अंदरूनी और साखत की शान और शौकत को पेश करती है। मैसूर बेंगलुरु से 160 किलोमीटर दूर है। ये जनूब हिंदुस्तान के दूसरे बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वीकेंड के दौरान आउटिंग के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। हर रोज कई बसें बेंगलुरु में मैसूर पैलेस की तरफ जाती हैं। मैसूर रेलवे स्टेशन भी तमाम बड़े शहरों से मुंसलिक है। बेंगलुरु बैन अल-अक्वामी हवाई अड्डा भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।